कहन राज को करन मन करू महान यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावे भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर के और भी नहीं चाहती। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्योति सदैव ऊर्ध्वगमन करती है। दीपक की ज्योति को तुमने देखा हो, दीपक यदि सीधा है तो भी ज्योति ऊपर की ओर ही जाती है, और दीपक को यदि टेढ़ा किया जाए तो भी ज्योति ऊपर की ओर ही जाती है, और यदि दीपक को उल्टा कर दिया जाए तो भी ज्योति तो ऊपर की ओर ही जाएगी। ज्योति का स्वभाव ही है ऊपर की ओर जाना, और मिट्टी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। और ये राख की दीवार के परमाणु, ये मिट्टी कि जिसका स्वभाव है नीचे की ओर जाना, इसलिए मृत्यु के पश्चात जब इस राख की दीवार को जलाया और राख जब वहां पड़ी तब वो भेद नहीं करती कि सिर का जो भाग था वो राख ऊपर रहे, पैर का जो भाग था वो राख नीचे रहे, वहां कोई भेद नहीं, वहां सब भेद समाप्त हो जाते, फिर वहां चद्दर हो जाती, क्योंकि मिट्टी का जो स्वभाव है वो स्वभाव यही है कि नीचे की ओर जाना, जहां ऊपर और नीचे का कोई भेद ही ना हो। और ज्योति का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, ऊर्ध्वगमन। जैसे ही चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि ऊर्ध्वगमन की तैयारी प्रारंभ हो गई, इसलिए ज्ञानी प्रति समय यात्रा कर रहा है, अनंत सिद्धों से मुलाकात करने की यह यात्रा है, और ये यात्रा आपकी प्रारंभ हो इसलिए ही यह दिव्य ध्वनि शिविर। जैसा मैं सदा कहता हूं, वाणी से आज तक कोई पहुंचा नहीं, फिर भी वाणी की जरूरत पड़ी है। किसी व्यक्ति को मौन के बारे में कुछ कहना है, समझाना है, वह व्यक्ति स्टेज पर गया और चुपचाप वहां खड़ा रहा और फिर बैठ गया, कुछ समझा नहीं सका। उसे मौन के बारे में समझाने के लिए भी वाणी की जरूरत पड़ेगी कि मौन क्या है। निर्विकल्प अनुभूति परम मौन अवस्था है, और जिस परम मौन अवस्था को तीर्थंकर परमात्मा भी बिना वाणी के न समझा सके,
उस अनुभूति को समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं कि बिना वाणी के समझाओ, फिर भी नहीं समझा सके। जिन्हें समझना था वो समझ गए। इसलिए आज तक तुम अनंत बार परमात्मा के समुसरण में गए, वहां समझ न सके, क्योंकि समझने के लिए तुम गए नहीं थे, सिर्फ सुनने के लिए गए थे, और सुनने मात्र से कुछ भी न होगा। वाणी का विलास होगा, थोड़ी देर इच्छाओं की तृप्ति होगी, सुनना चाहता कुछ न कुछ कथा कहानियां तुमने सुनी, तुम्हें अच्छा लगा। प्रयोग न हुआ और इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रहे। सुनने के लिए जब बैठे हो तब स्वरूप को पहले सुनना और अच्छी तरह समझना, पहले सुनना ठीक तरह से। इसलिए मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो सुनने के लिए आए हैं मगर आंख बंद करके बैठ गए। नहीं, तुम आंख बंद मत करना। इसलिए श्रोता का पहला लक्षण यह होगा कि कैसे सुने। सुनने के लिए तुम्हें आंख बंद न करना होगा। तत्प्रति प्रीति चित्ते न येन वार्ता पिहि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिन्होंने अत्यंत प्रीति से परमात्मा की वाणी को सुना, निश्चित रूप से वह भव्य भविष्य निर्वाण को उपलब्ध होने वाला। इसलिए मैं तुमसे सदा कहता हूं, मैं शास्त्रों को खोल करके नहीं बैठता, मैं तुम्हारी आंखों को देखता हूं। और उससे मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी क्या सुनना है। प्रीति चित्ते ने मैंने तुमसे कहा आंख बंद मत करना, मगर कभी आंख ढल पड़े तो, कभी ऐसी दशा आए अंतर्मुख हुए और आंख ढल पड़ी तो, मैंने कहा तुम आंख बंद मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि बंद हो रही हो तो तुम रोकना। तुम्हारी चेष्टा न सहज हो, सहज हो। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चाहते हैं, भगवान भी बिना वाणी के
उपदेश नहीं देते, समझाते थे। समझाने वाले भी संगनी पंचेंद्रिय और समझने वाले भी संगनी पंचेंद्रिय। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं तीन वस्तु का मिलना बहुत जरूरी है। काया का मिलना बहुत जरूरी है। सुनने वाले की और बोलने वाले की काया मिलती है, यदि न मिले तो उपदेश सुनने का कार्य न हो सकेगा। इसलिए उपदेश सुनने वाला और उपदेश देने वाला, सुनने वाला तिर्यंच हो सकता है, शेर तिर्यंच था, उपदेश देने वाले मुनिराज मनुष्य थे, काया कहां समान थी, मगर काया समान थी कि दोनों संगनी पंचेंद्रिय थे। संगनी पंचेंद्रिय ये काया की समानता, वाणी भी समान चाहिए, बोलने वाले की भाषा और सुनने वाले की भाषा। यदि मैं ऐसी कोई भाषा में बोलूं जो भाषा तुम्हें नहीं आती तो भी तुम सुन न सको। तो सुनने के लिए बोलने वाले की काया और सुनने वाले की काया का मिलना जरूरी है, दोनों संगनी पंचेंद्रिय चे। वाणी का मिलना जरूरी है कि दोनों की भाषा समान। और एक बहुत महत्वपूर्ण कि मन का मिलना जरूरी है, उसका भाव कि जिस भाव से तुम्हें कहा जा रहा है तुम उसी भाव को ग्रहण कर सको। तुम उनके साथ में यात्रा कर सको तभी तुम पहुंचोगे, वरना तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। इसलिए मैं तुमसे अक्सर कहता हूं साथ में चलो, थोड़ा जल्दी चलो। कभी कभी ये भी कह देता हूं मैं धीरे से चलूंगा, तुम थोड़े जल्दी चलो, साथ हो लो। जब भी मैं कोई वाक्य तुमसे कहूं तो तुम उस वाक्य का अंतर का पूरा भाव अंतर में ग्रहण करो, तब फिर तुम्हें एहसास होगा। वाणी और कुछ भी नहीं, ये बोलना और कुछ भी नहीं, वाणी सिर्फ विचारों की वाहक है। एक वस्तु को किसी और जगह, एक जगह से और जगह ले जाना हो तो वाहन में से ले, वाहन है वस्तु को ले जाने वाला वाहन। ऐसे ही मेरे जो विचार है उन विचारों को आपके विचारों तक पहुंचाना है, विचार को विचार तक पहुंचाने के लिए वाणी है, वो एक वाहन है। मगर वाहन फिर बाहर छूट जाता है। आप गाड़ी लेकर आए, बस से आए, ट्रेन से आए, विमान से आए, मगर अंदर लेकर के कुछ भी ना आए, सब छूट गए। और ये वाणी विचारों की वाहक है, और इसलिए तुम्हें उस दशा की उपलब्धि के लिए उस वाणी को भी बाहर छोड़ना होगा। इसलिए कहता हूं ध्वनि महत्वपूर्ण फिर न रहेगी। यहां तक ठीक है कि तुम तक उन विचारों को पहुंचने दिया, मगर फिर तुम्हें अंतर में न मैंने कुछ सुना न मैंने कुछ पढ़ा। भाषा तो भावों के कपड़े, मगर कपड़े पर तुम जोर मत देना। अठारह महाभाषा और 700 लघु भाषा में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, वो भी मनुष्यों की भाषा।
विभाजित होती है। सब अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, मगर वो भाषा कहीं नहीं पहुंचाती। तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में परमात्मा की वाणी छूटी, बहुत कुछ वर्णन आया भगवान की वाणी में, भूतकाल का इतिहास भी आया। ये भगवान ने ही बताया, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, सुमेरु पर्वत का वर्णन, विदेह क्षेत्र का वर्णन, ये भगवान की वाणी में आया। वाणी में तो बहुत कुछ आया है, मगर समझदार वो है जो उसके प्रयोजन में अभी क्या है वो उसे चुन ले। जैसे तुम किसी स्टोर में गए और वहां जाकर के तुमने दुकानदार को पूछा कि आपकी दुकान में कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है, आपको एक कपड़ा चाहिए, आपने उसे पूछा कि कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा है, और उस दुकानदार ने कहा कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा है, हम अपनी दुकान में खराब कपड़े भी रखते हैं, जितने भी कपड़े हैं सब अच्छे हैं, हम बुरी चीज अपनी दुकान में नहीं रखते। वो बताता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, मगर वो तुम्हारी स्थिति को देख लेता है, फिर वो तुमसे कहता है कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें बताए या न बताए वो दाम बता देगा, तुम खुद ही पहचान कर लोगे कि कौन सा कपड़ा मेरे लिए अच्छा है। अच्छा तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, मगर तुम्हारे लिए क्या ये तुम्हें चुनना होगा। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में नरक का भी वर्णन आया, स्वर्ग का भी वर्णन आया, मगर मैं स्वर्ग और नरक के वर्णन के बारे में किसी को नहीं कहता। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं पढ़ा होगा, मैंने कभी नरक के नाम भी किसी को नहीं बताए, स्वर्ग के नाम भी नहीं पता है। 1500 शास्त्रों में वो नरक के स्वर्ग के नाम नहीं आए होंगे, मगर मैं प्रारंभ करता हूं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा से। और चैतन्य 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 क्योंकि तुम्हारे लिए अभी प्रयोजनभूत हुआ है। देशना दिव्य ध्वनि, उसमें तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हारे लिए अभी क्या महत्वपूर्ण है। समय बहुत कम है, इसलिए व्यर्थ के विकल्पों में अभी तुम मत उलझना। तुम्हारे पास में समय कम है, आयुष्य कम है, बुद्धि भी कम है, इतनी बुद्धि नहीं, क्षयोपशम ज्ञान का उघाट इतना नहीं, और तुम्हारी रुचि भी कम, इसलिए प्रयोजन
कि चैतन्य और वो अभी करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है, ऐसा से नहीं होता। पानी ना परपोटा नीचे, दिव्य ध्वनि उनकी सुनना जिन्होंने स्वयं ने अनुभव किया। पदवी लेकर के बैठा हो कोई डॉक्टर, सर्टिफिकेट है, मगर दुकान खोल करके बैठा, प्रैक्टिस नहीं करता, उसके पास तुम नहीं जाओगे अपना इलाज कर, दुकान खोलकर बैठा, खुद प्रैक्टिस नहीं करता, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, मगर उससे क्या होता है, प्रैक्टिस करता। जिसके पास सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान है, जो शास्त्री है, तर्क शास्त्री है, जो उपाधि वाला है, उपाधि वाला है, मगर जो प्रैक्टिस न करता वह तुम्हारा इलाज न कर सकेगा। प्रयोग करने वाला तुम उनसे पूछना। अक्सर ये बहुत बड़े गलती हो गई, आज तक हमने उन्हें ही मार्ग पूछा जो मार्ग को नहीं जानते थे, जो स्वयं भटक रहे थे। और दूसरा ये अपराध कि हमने उन पर मोहर लगाई कि ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी, ये ज्ञानी है। इस पृथ्वी की इस हालत को देख करके अत्यंत करुणा होती है और कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं परम कृपालु देव परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, उनको देख करके, परम कृपालु देव ज्ञानी, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ज्ञानी, उन्हें ज्ञानी कहने वाले पर करुणा आती है, क्योंकि ये अंधे दूसरों के बारे में कह रहे हैं कि ये दूसरे आंख वाले हैं। अंधे को पता ही नहीं, स्वयं को आंख नहीं, अंधा किसी दूसरे के बारे में क्या कहेगा कि दूसरे के पास में आंख है। ये बिल्कुल झूठा है। इस झूठ में से तुम्हें बाहर आना होगा, तुम्हें स्वयं की आंख का इलाज करना होगा। किसी को भी ज्ञानी की मोहर लगाने से पहले, सबसे पहले तुम्हें अपना निरीक्षण करके अपना इलाज करना होगा। ये बंद हो, तुम्हें प्राप्ति करनी है। तुम्हारा स्वयं का अनुभव हो, मत लगाओ किसी पर मोहर, मत लगाओ। नहीं सुनना चाहता मैं, क्योंकि आते हैं लोग मेरे पास भी किसी को लेकर के, आओ मैं ज्ञानी के पास तुम्हें ले जाऊं, मगर जो लेकर के आया किसी और को कि आओ मैं ज्ञानी के पास लेकर जाऊं, वो खुद अंधा है।
और उसके मुंह से ये सुनना कि अरे ज्ञानी का योग मुझे मिला, मुझे लगता है कि अंधा ये बंद करे। तारीफ तो होती है, वाहवाह होती है, भीड़ बढ़ती है, मगर असली कार्य जो उसका स्वयं का होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। वो भीड़ को इकट्ठी करके लाता है, स्वयं वंचित रह जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, किसी पर मोहर मत लगा। इसलिए क्योंकि तुम्हें जब तक स्वयं को अनुभूति न होगी, तुम न पहचान सकोगे, वो सब व्यर्थ होगा। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा झूठ ये है कि दूसरों पर मोहर लगाना ये ज्ञानी है, और ये भी मोहर मत लगाना कि ये अज्ञानी है। दो में से कोई मोहर नहीं लगती, और यही कारण है कि सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि ही ये पहचान कर सकते हैं कि दूसरा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि कुछ भी नहीं, और यही कारण है कि सम्यक दृष्टि ही ज्ञानी की पहचान करते हैं। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी में श्रद्धा होती है, इसलिए तो सम्यक दृष्टि के बारे में ये कहा कि सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि के बारे में ये कहा कि सम्यक दृष्टि पहचान कर सके। स्वयं के पास वो आंख चाहिए जो ये पहचान कर सके दूसरे के पास आंख। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन, गुरु की श्रद्धा ये गुरु है, ऐसी श्रद्धा ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और मैं चैतन्य तत्व, मैं स्वयं परमात्मा, दूसरे को तो गुरु मानना ये व्यवहार सम्यक दर्शन, दूसरे को परमात्मा ये व्यवहार सम्यक दर्शन, और मैं स्वयं परमात्मा ये मानना ये निश्चय सम्यक दर्शन। मगर निश्चय के बिना कभी व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव हुए बिना दूसरा ज्ञानी है यह श्रद्धा ही नहीं होती। और ये जो बोलना कि ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये व्यर्थ का बकवास है और कुछ भी नहीं। कुगुरु को अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है कि मिली भीड़ ज्ञानी मानने वाले की, मगर इस भ्रम में से तुम्हें बाहर निकलना होगा। सलाह तुम उनके पास लेने गए, तुम उनकी ही ध्वनि सुनने गए जिसमें कोई दिव्यता न थी। इस वजह से ज्यादातर तुम भटके। सलाह तुम उनसे लेते हो जिनको स्वयं को ही अनुभव नहीं, स्वयं को अनुभव नहीं। जिनकी शादी नहीं होती है उनको देखो, वो सलाह लेने जाते हैं उनके पास। जिनकी शादी नहीं हुई, कवारे कवारे के पास में कि मैं शादी करूं, ऐसी सलाह लेने जाते। अब वो कहता है कर ले। अब जिसको स्वयं कोई अनुभव नहीं, उसका मित्र है, उसके पास गया शादी कर लूं, वो कहता है कर ले। वो उसके पास जाता ही नहीं जिन्होंने शादी की है, और यदि पूछने जाए उनको जिन्होंने शादी की है, तो इस दुनिया में शादी बंद हो जाए, कौन करे फिर? और कौन सलाह देगा कि करो? मेरे पास लोग आते मुझसे पूछ क्या मैं शादी करूं, मैं कहता हूं करो। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि आपने तो नहीं की, तो मैं उनसे कहता हूं मैं आपकी तरह किसी को पूछने नहीं गया था, तुम पूछने आए हो इसलिए कहता हूं करो। ये मेरा स्वयं का निर्णय था, मैंने किसी को ना पूछा।
जीवन में कभी भी विचार ही नहीं आया। दूसरे को जहर खाता हुआ देखा कि संभल गए। मगर तुम सलाह उनसे मांगते हो जिन्हें अनुभव ही नहीं, ये तुम्हारी आदत है और इस आदत के कारण ही भटके हो। उनसे पूछो जिनके पास वो वैभव है, वैभव है और पाया, अनुभव किया है, उनसे पूछो। तुम्हें खरीदनी है मर्सिडीज और तुम उनके पास गए जो ल्यूना लेकर के निकला कि मर्सिडीज खरीदो, लेकिन मर्सिडीज क्या, ये ल्यूना ही खरीद लो, सब एक ही तो है। ऑटोमेटिक गियर के बिना ही ल्यूना भी चलता है, मर्सिडीज भी बिना गियर की, दोनों में समानता है। वो तुमसे वही सलाह देगा कि ल्यूना खरीद लेना चाहिए, मर्सिडीज मत खरीद। तुम उनसे सलाह मांगते हो नहीं, धन्य भागी समझो जीवन में कभी ये अवसर मिला तो। बस अवसर मिला। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने के प्रभावशाली, प्रभावित होते हैं जीव। मगर फिर वहीं पर ही अटक जाते हैं बाहर के प्रभाव से। जब भी पूछा कि भगवान अर्थात कौन, समोसरण में विराजमान है, रत्न जड़ित समोसरण, स्वर्ग के देव जो मुकुट पहने उनके मुकुट पर मणि है, देव झुकते हैं, मुकुट भी झुकता है, मणि भी झुकता है, सब वर्णन कर देता है। मगर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का जो सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, वो उसके ध्यान में नहीं आता। केंद्र बिंदु, दुख के आदि मत हो जाए। तुम दुखी होने के लिए नहीं, तुम यहां के लिए नहीं, तुम्हारी ये जगह नहीं, तुम कहीं गलत जगह पर हो, बस इसलिए तो दुखी हो। यह तुम्हारा स्थान नहीं। ये हीरा कीचड़ में कैसे पड़ा, तुम अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होने के लिए हो। जिसने स्वयं की महिमा न जानी, उसकी महिमा और दूसरा कौन जानेगा। हम भगवान की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं की महिमा जानी। ध्यान अंतर्मुख है, बाहर की ओर ध्यान नहीं।
हम उनकी ओर देखते हैं जो हमारी ओर नहीं देखता। जिस व्यक्ति को आप महान मानते हो, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति को आप महान मानते हो, उसकी ओर आप देखते हो, दूसरे पल में, तीसरे पल में उसकी ओर ही देखते हो, उसकी ओर देखते हो, मगर वो आपकी ओर नहीं देखता। जैसे ही वो आपकी ओर देखने लगे, फिर वो महत्व आपको नहीं लगेगा कि अरे ये तो मेरी ओर भी देखता। वो जो अपने में स्थिर, जो हमारी ओर नहीं देखते हैं, जो अपनी ओर ही देखे, ऐसे वितरागी भगवान की ये वाणी, ये दिव्य ध्वनि सहज ऐसा ऋणानुबंध होता है। वे ही भगवान की वाणी सुनने चाहते, वे तो निर्विकल्प है। दूसरे लोग जो भगवान की वाणी सुनने जाते हैं, वाणी से प्रभावित होते हैं, समोसरण से प्रभावित होते हैं। भगवान माने कौन? समोसरण में विराजमान है भगवान माने कौन? समचतुरस्त्र संस्थान जिनका शरीर ऐसा आकार चारों ओर से एक, भगवान माने कौन? वज्र ऋषभ नारद सहनन इतना मजबूत शरीर, भगवान माने कौन? अतुल बल के धनी जिनकी उंगली भी कोई टेढ़ी नहीं कर सकता, भगवान माने कौन? देवता भी जिनके चरणों में झुकते हैं, बस यही भगवान समझा। और ये समझा ही नहीं, भगवान अर्थात कौन? जो चैतन्य स्वरूप में स्थित है। जो भी पहचान हुई वो बाहर से ही हुई, क्योंकि बाहर की दृष्टि वाला बाहर ही देखेगा, और इसलिए भगवान को जाना नहीं। जान लिया होता तो सम्यक दृष्टि होते। इसलिए तो कहा, जो जान दी अरहंतम दवत गुणत पज्जयते ही, सो जान दी अपान मोह खलु जाति तस्सलयम। जो अरहंत भगवान को जान लेता है, वो अपने को जान लेता है, इसलिए हमने जाना है। यदि जाना होता तो अपने को भी जान लिया। भगवान को नहीं जाना, वो जाना वो पुद्गल को जाना, समोसरण को जाना, ज्यादा से ज्यादा जाना तो उनकी वाणी को, ये सुना जाना कि ये बोला और वापिस लौट गए, हुआ कुछ भी। भगवान को जानना अर्थात भगवान वितरागी है ये जानना, भगवान सर्वज्ञ है ये जानना, ये भगवान के आत्मा के लक्षण है। और वो बाहर के पुद्गल के, उससे भगवान की पहचान मत कर लेना। मगर अज्ञानी प्रभावित होता है, भगवान प्रभावित करते नहीं। एक बात हमेशा याद रहे,
जो गुरु तुम्हें प्रभावित करता है वो गुरु नहीं, वो कुगुरु है। गुरु जो तुम्हें प्रभावित करता है। गुरु प्रभावित नहीं करता। प्रकाशित करता, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता। और करता भी क्या है, वो तो है बस ऐसा ही। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे को प्रभावित करना चाहता है, वो व्यक्ति वही होगा जो दूसरों से प्रभावित होकर के बैठा। दूसरों से जो प्रभावित हुआ है वही दूसरे को प्रभावित करना चाहता है। मगर जो दूसरों से प्रभावित नहीं हुआ वो न चाहेगा कि दूसरे को मैं प्रभावित करूं। इसलिए जिनके पास पंडितों की भाषा नहीं, तलवार की धार जैसी तीक्ष्णता वाले जिनके पास शब्द नहीं, तर्क नहीं, अज्ञानी का तर्क बहुत खतरनाक है। इसलिए जब भी तुम विचार करो तब तर्क देते हो, वितर्क करते हो, तब तुम वही करते हो। पहले तुम ये देख लेते हो कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, और उसके अनुरूप फिर तुम तर्क वितर्क करके उसमें अपने को पुष्ट करते हो कि मैं सिद्ध कर दूं कि यही सच्चा है क्योंकि मुझे वो चाहिए। दूसरे को प्रभावित जो नहीं करता, क्योंकि प्रभावित होकर के नहीं बैठा। सर्वज्ञ को भी वो कहता है, तीर्थंकर को भी कहता है, मैं आपको मानता हूं, पूछता हूं, इसलिए नहीं कि ये समोसरण है। क्योंकि समोसरण के कारण यदि मैं आपकी पूजा करूं तो समोसरण की रचना करने वाले के पास तो और कितना होगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास में 1 करोड़ रुपये है, उसने 1 लाख रुपये दिए, तो उसके पास और कितना होगा। तभी तो 1 लाख दिया, और कितना। फिर 1 लाख वाले को मैं क्यों पूजूं, 1 करोड़ वाले को ही पूजूं। भगवान आपका समोसरण ऐसा, तो फिर मैं आपकी क्यों पूजा करूं, ये समोसरण की रचना करने वाले की ही पूजा कर लूं, उन देवताओं की पूजा कर लूं। मगर उसके कारण आप महान नहीं हो कि ये समोसरण है। भगवान की दिव्य ध्वनि का जो केंद्र बिंदु है वो शुद्ध आत्मा। और इसलिए तुमने ये सुना, हाँ, बात का कुछ है ना, हाँ, समय सार 14वीं 15वीं गाथा में ये बात है। पांच विशेषण से कहा उसका स्वरूप ऐसा है, भगवान ऐसा स्वरूप है। इसलिए जिसने एक आत्मा को जाना उसने बारह अंग और 14 पूर्व को जाना, एक आत्मा को जाना उसने। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी आया, वो दिव्य ध्वनि में जो कुछ भी आया उसने वो सब जान लिया। जिसने एक आत्मा को जान लिया उसका कारण क्या, कि नरक स्वर्ग सुमेरु पर्वत ये सब सब जान लिया उसने, एक आत्मा को जान लिया ऐसा। क्योंकि ये नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, सुमेरु पर्वत का वर्णन, ये सब किसके लिए किया था, वो एक आत्मा को जानने के लिए। उसने एक आत्मा को जान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया, क्योंकि उसके लिए ये सब वर्णन था।
जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने इसके इसका कारण तीर्थंकर भगवान की मुसाफिर को रास्ते में मिला हूं, कभी रास्ता बदल जाए पता नहीं। कभी डाइवर्जन आ जाए, एक आत्मा को जाना, उसने 12 अंग 14 पूर्व को जान लिया, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट था। सेंटर पॉइंट तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का, इसलिए कहा पंडित यहां प्रवेश न करें। इसलिए जो लोग यहां आते हैं मेरे पास मिलने आते, जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं मैं चुप हो जाता हूं। जब वो कुछ बोलना प्रारंभ करते मैं चुप हो जाता हूं, फिर मैं नहीं बोलता। मुझे पता चला कि ये भी जानते हैं, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं वहां बहुत बोलता हूं जो कुछ भी नहीं बोलता, जो सिर्फ बैठे। भगवान के समोसरण में सुनने के लिए जाते हैं, शंका लेकर के जाते हैं, मगर बोलते नहीं। शंका अंतर में ही होती है और वाणी में से समाधान आता है। बोलो मत, मगर तुम्हारी आदत, क्योंकि तुम पहले कहीं गुरु होकर के बैठे हो, इसलिए गुरु होकर के जो कहीं बैठा है उनके लिए बहुत मुश्किल है मेरे पास में बैठना। यहां तो वो भूलना ही होगा मैं किसी का गुरु, यहां तो चुपचाप चित्त से जो सुने कुछ भी नहीं। कुछ सुनने के लिए आए, पियो तुम रस को, पियो। ये कला तुम में यदि आ गई तो बहुत कुछ पाओगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी इस लोक में कहीं पर भी तुम जाओ बहुत कुछ पाओगे, क्योंकि मेरा ये स्वयं का अनुभव है। 35 दिन ऐसे ही बैठे, ये स्वयं अवसर कभी तुम्हें जीवन में मिल जाए, मगर पूर्व के संस्कार। जब भी किसी ज्ञानी का योग मिले, बोलना मत कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनके सामने मत बोल, उनके सामने मत बोलना। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उनके सामने मत बोलना कि मैं अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, उनके सामने मत बोलना। जो होना है सो निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय में, उनके सामने मत बोलना। क्योंकि जैसे ही तुमने बोला, तुम्हारा बोलना सिर्फ बोलना ही, तुम जो बोल रहे हो मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूं, और वह जो बैठा है तुम्हारे पास वाणी है, उसके पास अनुभव है, और वाणी बहुत छोटी है अनुभव के सामने, इसलिए छोटी वाणी का प्रदर्शन मत करना। ये कला यदि तुम में आ जाए तो
तुम्हें सिर्फ वाणी है कि जो होना है सो निश्चित है, उसके पास में ये श्रद्धा में है कि जो होना है सो निश्चित है। तुम बोलना मत, वहां तो और पीना, इसलिए ये पीने वालों का मार्ग है, बोलने वालों का। हे ज्ञान दीपक, दिव्य ध्वनि, वाणी का अंत होगा क्योंकि वक्ता का अंत होगा। वाणी नहीं रहेगी, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनकी दिव्य ध्वनि वाणी खेरी मगर न रही। यदि रह गई होती तो अजित नाथ को बोलना ही नहीं पड़ता, ये उपदेश ही न देना पड़ता, ये वाणी खिरती ही नहीं, मगर वाणी नहीं रही क्योंकि आदिनाथ नहीं रहे, वाणी नहीं रहती, और तीर्थंकरों की वाणी नहीं रहती, तो मेरी और आपकी वाणी का तो कहना ही क्या। अभी थोड़ा बचा है, ले लो। माल खत्म हो रहा है, ले लो, थोड़ा पड़ा है। ये वाणी का मार्ग, वाणी बंद हो रही है, ले लो, पी लो। बोतल को मत पीना, अंदर जो है वो पी लेना, उसे मैं माल कहता हूं। आएगा वो बोतल में, मगर बोतल वाणी में कुछ भी नहीं, वो भाव को लेकर के तुम्हारे पास आई, मगर वाणी में कुछ भी नहीं, वाणी में कुछ भी नहीं, तुम में कुछ है, वाणी में कुछ भी नहीं। वो जो भाव है, वो भाव महत्वपूर्ण है। मैंने सुना था तुम महत्वपूर्ण हो, शराब में नशा नहीं होता, शराब में यदि नशा होता तो बोतल भी नाचती, मगर पीने वाला ही नाचता है, बोतल नहीं नाचती। ये भाव तुम में पड़े, अंतर में तुम नाचोगे, आनंद से विदा होना यहां से, दुखी दुखी होकर नहीं, मुंह लटका कर नहीं, उदास होकर के नहीं, आनंद से। कर तुमने दुख को इतना गले से लगाया, लियो टॉल्स्टॉय के जीवन की एक घटना विस्मरण में, नाटक ही देखने गए थे अपनी मां के साथ, मां नाटक देखते देखते
रोने लगी। टॉल्स्टॉय ने कहा, मां तो क्यों रो रही है, ये नाटक ही तो है। चुप, फिर रोने लगी। कभी कभी छोटे बच्चे भी सत्य कह देते हैं, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं, आप सब मेरी मां की उम्र के। कभी कभी छोटे बच्चे भी सत्य कह देते हैं कि व्यर्थ में दुखी क्यों हो रहे हो, तुम दुखी होने के लिए नहीं हो, आनंद मनाओ बस, पर विदा हो जाओ। रोज 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 जो दुख जो है, उसके तुम आदि हो गए, वो तुम्हें झटका नहीं देता। एक बार झटका दे। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। दो मेंढक थे, एक पानी, बहुत गर्म पानी था, उस बहुत गर्म पानी में उस मेंढक को डाला। जैसे ही वो इतना गर्म पानी कि जैसे ही पानी में मेंढक गया कि तुरंत ही बाहर निकल गया। पर दूसरा पानी जो इतना गर्म नहीं था, उस पानी में मेंढक गया। दूसरा मेंढक जो पानी में गया वो पानी में ही रहा। फिर 5 मिनट के बाद उस पानी को गर्म किया, थोड़ा गर्म किया, फिर 10 मिनट के बाद में थोड़ा और गर्म किया, 15 मिनट के बाद और गर्म किया। वो मेंढक अंदर ही है, और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि वो मेंढक जल करके मर गए। ये पहला मेंढक जैसे ही गर्म पानी में गया उसे ऐसा छुआ कि बाहर निकल गया, और दूसरा मेंढक उसका आदि होता गया। हमारा जीवन ऐसा, हम दुख के आदि हो गए, आकुलता के आदि हो गए, राग द्वेष के विकल्पों में उलझने के आदि हो गए, आदि हो गए। मगर वो तुम्हें ऐसा स्पर्श करे, ऐसा झटका दे कि तुम निकलो, और जिस समय वो घटना घटित होगी उस समय तुम्हारा ज्ञान दीपक प्रज्वलित होगा, उससे पहले नहीं। वो अपूर्व घटना, दुख के आदि। दुख है ही नहीं, मेरे में दुख नहीं, मेरे में दुख नहीं। दुख गुजरता है आंगन से, जैसे गाड़ी आंगन से गुजरती है मगर गाड़ी का मालिक मैं नहीं हो जाता, ऐसे ही दुख मेरे चैतन्य महल के आंगन से गुजरता है मगर उसका मालिक मैं कैसे हो गया। मैं स्वयं आनंद, आनंद भवन में विराजमान। आनंद का मैं कंद हूं, मैंने छैठाला में ये लिखा, आनंद का कंद, आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं। आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं। मैं जमीन कंद नहीं, मैं तो लोकाग्र का कंद हूं, आनंद का कंद। प्रत्येक परिस्थिति में
वो आनंद न छूटे, वो आनंद आकुलता वाला न हो, वो निराकुल हो, जिसका कारण कोई पराया न हो, स्वयं की सत्ता हो। मुझे घटना अभिस्मरण में आ रही, एक सम्राट के जीवन की घटना। सम्राट का एक नौकर था, मगर नौकर भी मित्र जैसा, तो उसके साथ में ही रहता था, घूमने फिरने जाए साथ में ही रहे। सम्राट शिकार पर निकला जंगल में, नौकर को लेकर के घोड़े पर बैठा है। एक पेड़ था, पेड़ पर एक फल लटका था। सम्राट जो भी खाता अपने नौकर को देता, पहले नौकर को देता, बाद में खुद खाता। एक ही फल था, तोड़ा नौकर को दिया। उस फल में से चार टुकड़े हुए, पहला टुकड़ा नौकर ने खाया, मगर चेहरे पर प्रफुल्लितता। दूसरा खाया, तीसरा टुकड़ा खाया, राजा उसकी प्रफुल्लितता को देख करके विचार में पड़ गया, ये फल कैसा होगा। राजा ने नौकर से मांगा, अब जो एक बचा है चौथा वह तो मुझे दे दे, तीन तो हो गए समाप्त, तूने खा लिए, अब चौथा। नौकर ने कहा नहीं दूंगा, ये भी मैं ही खाऊंगा। राजा को ऐसा लगा इतना खुश हो रहा है, जोर से जपटा जपटी में खींच करके ले लिया और खा लिया। जैसे ही खाया बिल्कुल कड़वा कड़वा, राजा ने थूक दिया। मूर्ख, ये तो जहर है, तू तीन खा गया और कुछ भी नहीं किया, इतना ही बोला वो, जिन हाथों से अच्छे मीठे मीठे फल खाने को मिले हो। कभी ये कड़वे फल भी मिल गए, उसकी भी शिकायत क्या करना। बहुत प्राप्त हुआ। जब मैं प्राप्त की बात कहूं तो प्राप्त उत्तरीकाल प्राप्त, ये मत समझना कि धन संपत्ति बहुत प्राप्त हुई, नहीं, तुम चैतन्य सत्ता मात्र हो, बस इतना तो प्राप्त हुआ। तुम त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो, इतना तो है, अब क्या शिकायत करना। बहुत बरसा, तुम्हारे छोटे से आंगन में बहुत बरसात हुई। आंगन छोटा है मगर बरसात बहुत होती, ऐसे विराट की बरसात छोटे से आंगन में होती है। पर्याय बहुत छोटी है, एक समय की है, द्रव्य विराट है, मगर छोटे से आंगन में विराट की बारिश होती है। आंगन माला माल हो जाता है। हे ज्ञान दीपक, आ, 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 आ।
धन्यभागे स्वयं को मानो। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक बैठकर मुझे सुना। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। Sadhguru, Paramasi.